प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार भाग दो लेकर प्रस्तुत हुआ। इससे पहले के वीडियो में मैंने भाग एक को लेकर चर्चा की थी, जिसे आप लोग पहले के वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए, जागो फिर एक बार भाग दो को लेकर कुछ चर्चा करते हैं। निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार भारत के पराधीनता काल की रचना है। इस कविता में परतंत्रता से निराश होकर भविष्य की चिंता एवं सुप्त भारतीय जनता को उसके गौरवमय अतीत का स्मरण दिलाते हुए जागो फिर एक बार कविता के माध्यम से निराला जी ने यह आह्वान किया है। पराधीनता काल में अनेक कारणों से भारतीयों का मानस सोया हुआ था, अर्थात आलस्य, प्रमाद से ग्रस्त तथा कायरता दीनता से आक्रांत था। उस समय वह अपनी कमजोरियों को जानता हुआ भी उन्हें दूर करने में असमर्थ था। ऐसी स्थिति का ध्यान रखकर प्रस्तुत कविता में निराला जी ने कायरता का विरोध एवं मानव आत्माओं की अनुभूति में एकता का प्रतिपादन करते हुए ओजस्वी भाव व्यक्त किए हैं। प्रस्तुत कविता में देश प्रेम का भाव व्यक्त करते हुए गुरु गोविंद सिंह का स्मरण दिलाकर वीरता अपनाने का स्वर निराला जी ने यहाँ व्यक्त किया है। साथ ही इस कविता में गीता का उपदेश देते हुए निराला जी कहते हैं कि योग्य जन जीता है, पश्चिम की यह उक्ति नहीं गीता है, कहकर नवजागरण एवं कर्म निष्ठा का संदेश यहाँ निराला जी ने दिया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रस्तुत कविता का भाव केंद्रीय रूप से देश प्रेम, कर्मनिष्ठता, वीरता एवं मानवतावादी चेतना की अभिव्यक्ति है। तो आइए, कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही साहित्यिक विषयों के साथ आप लोगों के समक्ष आ सकूं, अर्थात आप लोगों से जुड़ सकूं। प्रस्तुत कविता को मैंने कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है, ताकि पाठक गणों को समझने में एवं मुझे समझाने में आसानी हो, एवं पंक्तियों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन की ओर बढ़ते हैं। जागो फिर एक बार समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से सिंधु नद, तिरवासी सेंधव तुरंगों पर चतुरंग चम शंग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहलाऊंगा। जिसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जन, संग्राम राग भाग का खेला रन 12 महीनों में, शेरों की मांद से आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत अवतरण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जागो फिर एक बार भाग दो से
उद्धृत है। इन पंक्तियों में निराला जी ने भारत के अतीत की गौरव गाथा का स्मरण करते हुए देशवासियों को नवीन उत्साह एवं ओजस्विता अपनाने को कह रहे हैं। तो आइए प्रस्तुत पंक्ति की ओर बढ़ते हैं, जिनकी व्याख्या यहां द्रष्टव्य है। यहां ऐतिहासिक परिवेश की ओर संकेत करते हुए निराला जी कहते हैं कि भारत का अतीत ऐसा गौरवशाली है कि भारत भूमि के वीर युद्ध क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अमर हो जाते थे। ऐसे योद्धाओं की गौरव गाथाओं को यहां समृद्ध विशाल नदियों और उनके तट पर रहने वाले लोगों ने, अर्थात सिंधु सभ्यता के लोगों ने अनेक बार देखा है। जब जब विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, तब तब यहां के वीर चतुरंगिनी सेनानी उसका डटकर सामना किया था। इसी तरह एक बार की बात है कि जब विदेशियों ने हमारे भारत भूमि पर आक्रमण किया था, उस समय सिखों के गुरु महाराज गोविंद सिंह ने वीरतापूर्वक यह घोषणा की थी कि जब तक सवा सवा लाख शत्रुओं पर अपने एक वीर को समर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक अपना नाम सार्थक नहीं मानूंगा। अर्थात गुरु गोविंद सिंह के कथन का यह भाव था कि विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर सामना करने वाले वीरों पर सब कुछ न्योछावर किया जा सकता है। उनकी यह वीर घोषणा किसी ने वीर जगमोहन को सुनाई थी, जिसने शत्रुओं से अतीव भयंकर संग्राम किया था और युद्ध क्षेत्र में रक्त की पिचकारियां चलाकर वत्स फाग खेला था। उसके सामने सभी आक्रांता अर्थात आक्रमणकारी सियार की तरह कायर सिद्ध हुए थे। वस्तुतः कहावत है कि शेरों की मान से सियार भयभीत होकर कभी नहीं आता है, यदि वह आता भी है तो विनष्ट हो जाता है। पंजाब के सिख शेर के समान ही थे, जिन्होंने आक्रमणकारियों की को सियार की तरह मार भगाया था। ऐसे गौरवमय अतीत का स्मरण कराते हुए यह निराला जी कहते हैं कि हे भारतवासियों, अब तुम जाग जाओ, अर्थात सचेत रहकर शत्रुओं का दमन करो, उनसे युद्ध करो, जिससे कि हमारे देश को आजादी प्राप्त हो सके। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां निराला जी गुरु गोविंद सिंह के बलिदान एवं शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए भारतीयों के मन में आशा और विश्वास का भाग जागृत कर रहे हैं। एवं प्रस्तुत पंक्तियों में ओजस्वी भावों की अभिव्यक्ति हुई है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। शत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल, तीनों गुणों ताप त्रय अभय हो गए थे तुम। मृत्युंजय युवेमकोश के समान अमृत संतान तीव्र भेद कर, सप्तावरण मरण लोक शोकहारी पहुंचे थे वहां, जहां आसन है संसार, जागो फिर एक बार। तो आइए पंक्तियों की प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां भी निराला जी मातृभूमि की खातिर बलिदान होने वाले सिख वीरों की प्रशस्ति का गुणगान करते हुए भारतवासियों को जागने के लिए आह्वान कर रहे हैं।
तो आइए प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि मुगलों के विरुद्ध जब गुरु गोविंद सिंह ने शतश्री अकाल का अर्थात वीरों के अभिवादन का उद्घोषण किया और युद्ध में क्षेत्र में उतरने तो उनके ललाट में क्रोध रूपी आग की ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। कहने का आशय है कि सतश्री अकाल यहां सिखों में आह्वान की पंक्ति है जिससे कि उन्हें वीरों की भांति साहसी बनने का साहस प्रदान करते हैं। इस साहस के साथ उनके अंदर विरोधियों आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध में लड़ने की साहस प्रज्वलित हो जाती थी, अर्थात उस आग में धधक कर काल भस्म हो रहा था। कहे तो मानव के तीनों गुण अर्थात सत्व रज और तम, या कहे तो दैनिक दैहिक व भौतिक तीनों ताप ही भस्म हो गए थे। परिणाम स्वरूप निराला जी कह रहे हैं कि तुम अर्थात भारतवासियों भारत के पुत्रों शत्रुओं से अभय हो, तुम मृत्यु को जीतने वाले शिवाजी के समान बन गए थे। पुनः आह्वान करते हैं निराला जी, यहां कहते हैं कि हे अमरों की संतान, तुम योग साधना द्वारा सातों आवरणों को भेद कर तथा समस्त शोक से रहित होकर उस उच्चतम स्थान के अधिकारी बन गए थे, जहां पर सिद्ध योगी सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर सहस्र दल कमल के समान आसन लगाकर परानंद में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार तुम सांसारिक शोक संताप से परे होकर जीवन मुक्त हो गए हो, इसलिए भारत पुत्र तुम एक बार फिर जागकर उसी शौर्य का प्रदर्शन करो जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने किया था। प्रस्तुत पंक्ति में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां देश प्रेम का स्वर तथा देश हित के बलिदान की ओर जो है आह्वान किया गया है। भारतवासी को यहां इन पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि तुम्हें अपनी शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपने देश के लिए मर मिटना है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सिंह की गोद से छिनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वन, रहते प्राण रे अजान, एक मेष माता ही रहती है निर्मी मेष, दुर्बल वह छिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या योग जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो आइए प्रस्तुत पंक्ति के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहां निराला जी ने वीर भोग्या वसुंधरा की दुहाई देकर देशभक्ति के लिए ओजस्वी स्वर व्यक्त किए हैं, अर्थात अपनी मातृभूमि के लिए साहसी बनने के लिए यहां आह्वान किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी कहते हैं कि ऐसी शक्ति और ऐसा साहस किसमें है जो शेरनी की गोद से उसके बच्चे को बलपूर्वक ले सके। क्या शेरनी अपनी जीते जी अपने बच्चे को छीन लेने देगी और स्वयं चुप बैठी रहेगी, अर्थात सिंहनी ऐसी तब तक नहीं होने देगी जब तक उसके शरीर में प्राण रहेंगे।
कहने का तात्पर्य यह है कि निराला जी यहाँ कहते हैं कि भारतवासियों के हाथों से विदेशी आक्रमणकारी देश को छीन ले रहे हैं और देशवासी कायरता को दिखाते हुए चुपचाप बैठे हैं। हम भारतवासी तो शेर के संतान हैं, तो क्या आक्रमणकारी शेरों के गोद से उसके बच्चे अर्थात भारत भूमि को छीन पाएंगे? इस प्रकार निराले जी ललकारते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानियों, केवल भेड़ ही अपने बच्चे को अपनी गोद से छीन जाने पर चुप रहती है, अर्थात वह दुर्बलता के कारण ही अपने बच्चे को छीनते हुए टकटकी लगाए देखती है। अपनी संतान के छीनने पर वह भेड़ अपने दुखी जीवन में जन्म भर गर्म आंसू बहाती रहती है, अर्थात अपने व्यथित जीवन पर रोती रहती है। परंतु क्या शक्तिशाली प्राणी इस तरह के अत्याचार को सहते हुए जीवित रह सकता है? अर्थात हे भारतवासियों, तुम जीवित रह सकते हो? नहीं, क्योंकि वह अत्याचार सहने की अपेक्षा मर जाना अच्छा समझा जाता है। सत्य तो यह है कि इस संसार में शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित रहता है। निराला जी प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या यह उक्ति पाश्चात्य चिंतन की देन है? नहीं, यही तो गीता का उपदेश है। अंततः गीता के कर्मयोग के उपदेश को बार बार स्मरण करो और अपने शक्तिशाली स्वरूप को पहचानो। अपने पूर्वजों के वीर गाथाओं को याद करो ताकि तुम्हारे अंदर भी अपने देश के प्रति साहसी कामना आ सके और अपने देश के, अपने भारत भूमि के लिए अपने आप को निछावर कर सको। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो निराला जी ने गीता का उल्लेख कर भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था व्यक्त की है एवं देशवासियों को जागृत होकर शक्तिशाली बनने का संदेश दिया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। पशु नहीं वीर तुम, शमर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे आज तुम राजकुमार, शमर सरताज पर क्या है, सब माया है माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंध छंद ज्यों, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हूं, तुम हो महान तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परतता, ब्रह्म हो तुम पदरज भर भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो आइए प्रस्तुत पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी ने देशवासियों को अपनी मातृभूमि के प्रति जागृत होने का संदेश दिया है। अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने का यहाँ निराला जी संदेश दे रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ भारतीयों को अपनी शक्ति का स्मरण कराते हुए निराला जी कहते हैं कि तुम पशु नहीं बल्कि युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले वीर पुत्र हो, वीर पूर्वजों के पुत्र हो, तो तुम कोई क्रूरता का आचरण करने वाले ना होकर न्यायार्थ वीरता का प्रदर्शन करने वाले हो। तुम काल रूपी चक्र में दबे हुए राजकुमार हो तथा युद्ध क्षेत्र के श्रेष्ठ योद्धा हो, परंतु तुम इस तरह क्यों मौन एवं निष्क्रिय हो? सांसारिक आसक्ति या लोकाचार तो
माया के बंधन है और तुम सदा ही इन सबसे मुक्त रहे हो, इस बात का गवाह इतिहास है। यहां निराला जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बाधाओं से अर्थात विराम, लघु व गुरु आदि नियमों के बंधनों से मुक्त रहने वाले मुक्त छंद कविता भावपूर्ण लगती है, वैसे ही तुम सदा सांसारिकता से मुक्त रहकर सच्चिदानंद अर्थात परम ब्रह्मा के आनंद में निमग्न रहते हो। इस देश के कण कण में, अणु परमाणुओं में ऋषियों के महामंत्र व्याप्त है, जो मानव को सुखद जीवन एवं मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए हे भारतीयों, तुम सदा ही महान हो। तुम्हारे मन में जो दीनता और कायरता की भावना तथा काम वासनाओं से आसक्ति के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब नश्वर हैं। तुम्हारे दीन भाव तथा कायरता के विचार सब नष्ट होने वाले हैं। वस्तुतः तुम ब्रह्मा स्वरूप हो। यह समस्त विश्व भार तुम्हारे चरणों की धूल से भी तुच्छ है। आशय यह है कि तुम परमात्मा की सृष्टि के सर्वाधिक शक्तिशाली प्राणी हो, अतएव तुम अपनी शक्ति को पहचानो और एक बार फिर से अपने पूर्वजों की तरह जाग जाओ। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां निराला जी द्वारा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता एवं मानवता का गौरवपूर्ण उल्लेख कर नवजागरण का स्वर व्यक्त किया है। इस प्रकार अगर हम इस कविता के पंक्तियों को ध्यान पूर्वक देखें तो निराला जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हे भारतवासियों, तुम अपने देश के लिए फिर से जाग जाओ। कवि निराला जी यह कविता जागो फिर एक बार में जागरण के भाव को व्यक्त करने वाले हैं। इसमें निराला जी ने गुरु गोविंद सिंह की वीरता तथा देशभक्ति का उल्लेख कर भारतीयों को शक्तिशाली एवं शौर्य संपन्न बनाने की प्रेरणा दी है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जागृत रहने का संदेश दिया है। यहां निराला जी भारतवासियों को अमृत की संतान बतलाते हुए यह ध्वनि किया है कि केवल ध्यानिष्ठ रहने या चिंतन में निमग्न रहने की अपेक्षा जागृत रहने से अपने देश, अपने मातृभूमि के गौरव और स्वाधीनता की रक्षा हो सकती है। यहां सिंहनी और मेष माता अर्थात भेड़ के प्रतीकात्मक उल्लेख से भी इसी संदेश की व्यंजना की गई है। वस्तुतः कविता में नवजागरण का संदेश प्रमुखता से व्यक्त हुआ है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।